और गौरव भैया और पूरी रियल कनेक्शन टीम के जितने भी सदस्य हैं उन सभी का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस आयोजन में अपना पूरी निष्ठा के साथ में सहयोग किया। आप सभी के बीच पहले ओज की कुछ पंक्तियाँ रखता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि एक जो राष्ट्र प्रेमी होता है ना, वो अपना प्यार भी कुछ इस तरीके से करता है कि अपने प्यार से भी देश का फायदा होना चाहिए। तो देखिएगा, एक देशभक्ति की रचना लिखी है और उस समय प्रधानमंत्री आदरणीय नवाज शरीफ साहब हुआ करते थे। हम उनके नाम के आगे आदरणीय इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें हमारे माता पिता ने हमेशा सिखाया है शिष्टाचार। हम उनकी तरह भ्रष्टाचार से नहीं पले हुए हैं, हम शिष्टाचार में पले बड़े हैं। तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर कुछ मैंने लिखने की कोशिश की। उस समय कश्मीर का मुद्दा बहुत उठा हुआ था, तो मैंने लिखा था कि काश नवाज शरीफ की बेटी से मेरे नैन लड़ जाएं, काश नवाज शरीफ की बेटी से मेरे नैन लड़ जाएं, हम दोनों के साथ साथ फेरे पड़ जाएं, कश्मीर की समस्या खुद ही सुलझ जाएगी जब कन्नौज की हड्डी गले में उलझ जाएगी। आगे सुनिएगा कि फिर से एक तारा सिंह शकीना लेकर आएगा, गदर फिल्म को याद कीजिएगा साहब, कि फिर से एक तारा सिंह शकीना लेकर आएगा, शरीफ साहब के चेहरे पर पसीना लेकर आएगा, ससुर जी हमारे बोलेंगे गीत बहुत है प्यारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए अगला एक छोटी सी रचना आप सभी के बीच रखता हूं उज की, फिर विशाल भैया जी ने जो कहा है वो करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, प्यार करने का सबका अपना अपना एक अलग तरीका होता है। देखो भैया, एक बात मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा मुक्तक आपके बीच रखना चाहूंगा, जो एक ऐसा मुक्तक जिसमें एक सच्चे प्रेमी और सच्चे बेटे दोनों का भाव जागृत होगा। चार पंक्तियां सुनिएगा, आपके बीच निवेदित है कि एक बार एक विशाल भैया, एक बार एक आशिक अपनी महबूबा से कहता है कि तेरे कदमों में दिल रख के, तेरे कदमों में दिल रख के तेरा सम्मान कर दूंगा, तेरे कदमों में दिल रख के तेरा सम्मान कर दूंगा, मैं तेरे नाम अपनी हर खुशी और जान कर दूंगा, मगर जब बात आएगी तुझे और माँ को चुनने की, मैं अपनी माँ पे तुझ जैसी कई कुर्बान कर दूंगा। भैया भैया, इसलिए क्योंकि माँ जो होती है साहब, माँ के बारे में कुछ कहना ही, मतलब माँ शब्द की महिमा का गुणगान कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। एक छोटा सा शब्द और महिमा बहुत बड़ी। मैं माँ की महिमा अपने एक मुक्तक में आपके बीच कहना चाहूंगा कि मेरी खातिर कभी गीले में कोई सो नहीं सकता, मेरी खातिर कभी गीले में कोई सो नहीं सकता, मुझे अगर चोट लग जाए तो कोई रो नहीं सकता, मेरी माँ ही है एक ऐसी जो इतना प्यार करती है, मेरी माँ की तरह दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और एक ओज की कविता और आपके बीच, छोटी सी कविता कि गर हम भी लिखने लग जाएं, गर हम भी लिखने लग जाएं गोरी के गोरे गालों पर, गर हम भी लिखने लग जाएं गोरी के गोरे गालों पर, इन झील सी गहरी आंखों पर और काले काले बालों पर, तो कौन तुम्हें भारत माता के रिश्ते घाव दिखाएगा, कौन तुम्हें आजाद भगत के बारे में बतलाएगा, कौन कहेगा तुमसे कि इस देश की सेवा कर लेना, बात जो आई शहादत की तो शान से बेटा मर लेना, अनुराग बताओ सीमाओं पर कौन रात भर जागेगा, और किसके डर से चीन पाक फिर पीठ दिखाकर भागेगा, मेरी रचनाएं थोड़ी श्रृंगार प्रेम से न्यारी हैं, हमको महबूबा से ज्यादा भारत माता प्यारी। भैया एक बहुत पुरानी रचना है, हालांकि श्रृंगार पे बहुत दिन से कुछ लिखा नहीं है, बस एक पुरानी रचना है, थोड़ी बहुत जितनी याद आएगी उतनी सुनाऊंगा क्योंकि विशाल भैया ने आदेश दिया है कि बेगानों की इस महफिल में, बेगानों की इस महफिल में जब अपना कोई मिल जाता है, बेगानों की इस महफिल में जब अपना कोई मिल जाता है, सच मानो मेरे यारों ये प्यार तभी हो जाता है, सच मानो मेरे यारों ये प्यार तभी हो जाता है, उससे मिलने कोचिंग में जब समय से पहले जाते हैं, उससे मिलने कोचिंग में जब समय से पहले जाते हैं, संग में बातें करते करते लौट के घर को आते हैं, और स्कूल वो जिस दिन ना आए अपना सा कुछ खो जाता है, सच मानो मेरे यारों ये प्यार तभी हो जाता है।
उसके पसंद की रंग वाली जब शर्ट खरीद के लाते हैं, उसके पसंद की रंग वाली जब शर्ट खरीद के लाते हैं, कैसे भी वो देख ले हमको इधर उधर मटकाते हैं, और शादी वाले घर आए तो धक से दिल रह जाता है। सच मानो मेरे यारों, ये प्यार तो